आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो रोज़ कबल आपसे बात हुई थी कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होगा तो अपनी हूर से एक तवील गुफ्तगू करेगा, उसके बाद वो अपनी उन नेमतों को जो अल्लाह ताला ने उसे अता की हैं एंजॉय करेगा। तो इस ज़मन में जो अगली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, किताब वही जिसका आपसे पहले भी ज़िक्र किया था, अबू लैस नसर बिन मोहम्मद समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कुर्रतुल उयूनी व मुफर्रिहुल क़ल्ब अल महज़ून, कि आँखों की ठंडक और उदास गमगीन दिलों की खुशी का सामान। तो बहरहाल उसके बाद जन्नतियों को उनके बागात से फल पेश किए जाएंगे। एक और फरिश्ता दाखिल होगा, उसके साथ एक गठड़ी होगी। समझते हैं आप, पुराने ज़माने में धोबियों के पास गठड़ियाँ हुआ करती थीं। आप में से एक्चुअली कुछ यंग जनरेशन भी इस चैनल को देखती है तो वो गठड़ी से शायद वाकिफ ना हो। पुराने ज़माने में धोबी वगैरह क्या करते थे कि एक बड़ी चादर में कपड़े डाल के ऊपर से उसको गांठ देते थे, नॉट लगा देते थे, और यूँ वो हर घर में उनके कपड़े डिलीवर कर देते थे। और बहरहाल तो वो एक गठड़ी ही समझ लें, इस तरह एक बड़े से कपड़े में कुछ चीज़ें डाल के ऊपर नॉट लगा दी जाती है। तो एक गठड़ी होगी, दाखिल होगा उसके पास एक गठड़ी होगी जिसमें सोने के नक्शो नगार वाले हुल्ले होंगे। ये हुल्ले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पुराने ज़माने में अरब में इसका बहुत रिवाज था कि दो कपड़े होते थे, एक नीचे बांधा जाता था, एक ऊपर लिया जाता था, और इस अनस्टिच्ड होते थे। तो वो हुल्ले होंगे जिन पर उनके अजीम नाम लिखे होंगे। वो फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह के वली, इन हुल्लों को देखिए, अगर इनकी सूरत पसंद है तो ठीक, वरना मैं इसे आपकी पसंदीदा सूरत में तब्दील कर दूं। सुभान अल्लाह। यानी अगर आप आजकल के ज़माने में देखें तो हम इस तरह के कॉर्निंग ग्लासवेयर बना रहे हैं कि जो एक प्रोजेक्शन स्क्रीन होगा जिसके आगे आप जाके खड़े हों तो जो कपड़ा आप चाहें उस दुकान में से सेलेक्ट कर लें, और उसके अंदर कलर व्हील होगा और आप जो रंग चाहें उस पर सेलेक्ट करें तो कपड़े का वो रंग हो जाएगा। ना कपड़ा आपने पहना होगा, ना आपके हाथ में होगा, सारी चीज़ें उस स्क्रीन पर होंगी। वर्चुअली आप सब कुछ ट्राई कर सकेंगे। इसी तरह वर्चुअल ग्लासेस की दुकानें तो ऑलरेडी आ गई हैं इंटरनेट के ऊपर, कि उसमें वो वर्चुअली फ्रेम्स देते हैं आपको, बिल्कुल रियल लुकिंग फ्रेम्स होते हैं आपके चेहरे पर, वो वर्चुअली आपको दिखाता है ये फ्रेम कैसा लगेगा। फिर उस तरह आप उसके डिफरेंट कलर्स लेके उसको आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन फीड करें, वो ग्लास बना के आपको हफ्ते 10 दिन में मेल कर देता है घर पर। तो अब आप, ये तो इंसान बना रहा है वर्चुअली, और वहाँ पर रियलिटी है, वर्चुअल नहीं है कि हुल्ला सामने है, पसंद नहीं आएगा तो ये हुल्ला उसमें बदल जाएगा जो आपको पसंद है, जो रंग, जो बेल बूटा, जो चीज़, जहाँ जो चेन चाहिए वो राइट अवे हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं ना, जब रब मेहरबान हो तो फिर ऐसे मेहरबानियाँ होती हैं। तो फिर दूसरा फरिश्ता अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जेवरात लेकर आएगा। दुनिया के जेवरात तो शोर पैदा करते हैं, लेकिन आखिरत के जेवरात ऐसी आवाज़ में अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। और वो ऐसी तस्बीह होगी जिससे सुनने वालों को खुशी होगी, राहत होगी, सुकून मिलेगा। देखो ना, दुनिया के साजीने होते हैं, बचते हैं तो कानों को तकलीफ़ होती है, दिल परेशान हो जाता है। लोग कहते हैं जी रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा नहीं, रूह बेचैन हो जाती है। नफ्स की ग़िज़ा है, आखिरत की बर्बादी का सामान है। तुम कहते हो कि रक़्स व सुरूद है, तुम उसे जिसे मीठी सुरीली
म्यूजिक कहते हो वो तुम्हारी बर्बादी का सामान है। और जन्नत में ये जो तुम शोर पैदा करते हो यहाँ पे, तो दुनिया का शोर है, जन्नत में शोर भी नहीं है, तस्बीह है अल्लाह की, हर चीज़ में राहत है, खुशी है। तो नेमतों पर मोमिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए सजदा शुक्र बजा लाएगा। फिर वो फरिश्ते जो नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब और नमाज इशा के हदिये लेकर आए होंगे, वो उसे सलाम करते हुए हदिये पेश करेंगे। यानी एक एक नमाज का अलग अलग तोहफा। और ये रोज़ाना की बात है, सिर्फ एक दिन नहीं। तो ये पांच फरिश्ते आएंगे, एक के पास फजर की नमाज का तोहफा, एक के पास जोहर का, एक के पास असर का, एक के पास मगरिब का, एक के पास इशा का, और वो उसे सलाम करते हुए हदिया पेश करेंगे। जब फरिश्ते इसको ये तोहफे देकर फारिग होंगे ना, हदिया तोहफे को कहते हैं, हैं ये देकर इसको फारिग होंगे, तो जो बंदा मोमिन है वो तमाम खाली बर्तनों को जमा करके फरिश्तों के हवाले कर देगा। ये देख कर फरिश्ते मुस्कुराएंगे, अल्लाह अकबर, क्योंकि दुनिया की आदत है ना लोगों को, दुनिया की आदत है कि जब कहीं से कोई चीज़ आए तो थाल वापस कर देते हैं, हैं? अच्छा, इस पे मुझे एक बात याद आई, वो मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ। जब कहीं कोई कभी कहीं से कोई चीज़ आती है, मुझे ये बात पसंद नहीं आती कि वो मैं बर्तन ऐसे ही वापस कर दूँ। ये मैंने एक उसूल बनाया हुआ है अपना, कभी कहीं से कोई चीज़ आती है तो मैं उसको वापस नहीं करता ऐसे ही। या तो उसके अंदर घर में कोई चीज़ मौजूद हो तो वो रख के वापस करता हूँ, या मैं कहता हूँ आप इसे छोड़ जाएं, इंशाल्लाह हम वापस कर देंगे। तो कुछ अच्छा सा खाना बना के तो उसमें फिर डाल के, और नहीं तो कोई चॉकलेट्स, कोई इस किस्म की चीज़ जो अच्छी हो, फिर इस तरह वो वापस करते हैं। मुझे पसंद नहीं है कि कोई आप के लिए तोहफ़तन कोई चीज़ लाए और आप उसे खाली बर्तन लौटा दें, मुझे पसंद नहीं है। तो बहरहाल याद आई तो मैंने कहा शेयर कर लूँ, हो सकता है कोई अच्छी चीज़ हो, आप भी अपनाएं, दूसरे वाले को भी खुशी होती है, तोहफे से खुशी होती है ना, हमें देने में बड़ा मज़ा आता है। बहरहाल तो अब जब वो वापस करेंगे तो फरिश्ते मुस्कुरा पड़ेंगे, उससे कहेंगे कि भाई तुम अभी तक खुद को दुनिया में समझ रहे हो कि हदिया खाकर या लेकर बर्तन साहिब हदिया को दे दिया जाए, यानी कि जो तोहफा लेकर आए उसको डिश लौटा दी जाए। दुनिया में तो हदिये देने वाले को इन बर्तनों की किल्लत की वजह से उनकी मोहताजी होती थी कि भाई किसी ने आपके यहाँ कोई तोहफा भेजा है तो वो आप उसको ट्रे वापस करेंगे तो फिर वो उसी ट्रे को दोबारा इस्तेमाल करेगा, उसके पास कमी हो जाएगी ना अगर सबको ट्रें बांटता फिरे। अब तो खैर डिस्पोजेबल का ज़माना आ गया है ना, डिस्पोजेबल तो आप रखें दे दें और वो फेंक देता है आगे, लेकिन अगर फेंकने वाली चीज़ ना हो तो वापस करनी पड़ती। तो कहा वहाँ तो किल्लत की कमी की वजह से वापस करना पड़ता है, जबकि ये बर्तन तुम्हारे रब की तरफ से है जो गनी है और इज़्ज़त व करम वाला है, उसकी मिल्कियत में कोई कमी नहीं आती, ना उसके ख़जाने फना होने वाले हैं, और उसकी ज़ात अक़दस तो वो है जो किसी चीज़ को फरमाता है कुन, यानी कि हो जा तो वो हो जाती है। बस ये बर्तन और जो कुछ इसमें है सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम दुनिया में रोज़ाना पांच नमाज़ें अल्लाह की बारगाह में पेश करते थे, अब तुमको अल्लाह की तरफ से जजा के तौर पर रोज़ पाँच तोहफे मिलेंगे, हर नमाज का तोहफा, अल्लाह अकबर। और जो दुनिया में अल्लाह के लिए फ़राइज़ और नवाफिल की कसरत करता था तो हक तबारक व तआला की तरफ से बतौर जजा उसके अमल के मुताबिक इन पांच हदाया से ज़्यादा भी अता फरमाए जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, जिसने रब तआला की इबादत की, जन्नत में उसकी खिदमत की जाएगी। इबादत करो अल्लाह के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए, जब वो राज़ी हो जाएगा तो तुम्हें इनामात की बारिश तुम पर बरसा देगा। तो जिसने खेती उगाई वही काटेगा, और जो खसारे में रहा वो शर्मिंदा हो गया। इसलिए मेरे रब ने क्या कहा कि इंसान खसारे में है मगर वो नहीं जो ईमान लाया और नेक अमल करता रहा, और नेक अमल में तमाम चीज़ें शामिल हैं, और सच के साथ और हक़ के साथ डटा रहा, जमा रहा। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने की और उसको
قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ دوسرے نیک اعمال صالحہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔